हेलो दोस्तों यो वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो हम शेक्सपियर की लाइफ और वर्क से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इससे पहले हमने शेक्सपियर की लाइफ और वर्क से रिलेटेड 60 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है यदि आप उन क्वेश्चंस को देखना चाहें तो आप प्ले में जा करके देख सकते हैं आज हम कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे दैट मीन्स की ट्वेंटी और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू इफ़ यू वॉन्ट पी ऑफ दिस क्वेश्चन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहाँ से आप इन क्वेश्चन की पी को डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट मीन्स कि सिक्सटी फर्स्ट नंबर का प्रिंस हैमलेट इज द टाइटल कैरेक्टर एंड प्रोटैगोनिस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट ही इज़ द प्रिंस ऑफ विच कंट्री इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि जो प्रिंस हैमलेट है ये बेसिकली एक कैरेक्टर होता है और ये प्रोटैगोनिस्ट भी होता है किसका प्रोटोगनिस्ट के मतलब होता है नायक यानी कि हीरो भी होता है शेक्सपियर के प्ले हेमलेट का इस क्वेश्चन में ये कहना चाहते हैं कि ही इज़ द प्रिंस ऑफ विच कंट्री ये किस कंट्री का प्रिंस होता है तो बेसिकली ये प्रिंस होता है डेनमार्क का और ये स्टडी कर रहा होता है जर्मनी में और जब इसको पता चलता है कि इसके अंकल ने इसके फादर को किल कर दिया है और इसकी मदर से मैरी कर लिया है तो फिर ये डेनमार्क को आता है और ये डेनमार्क का ही प्रिंस होता है तो ये इज़ द राइट आंसर अगला क्वेश्चन हमारा है सिक्सटी टू नंबर का टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन कोर्ट एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट इज अ फेमस कोर्ट फ्रॉम विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर्स ये कहना चाहते हैं यहाँ पे जो लाइन यूज़ की गई है टू बी और नॉट टू बी ये बहुत ही फेमस लाइन है ये शेक्सपियर के किस प्ले से यूज़ की गई है ऑप्शनस आपके पास हैं फर्स्ट है फर्स्ट है द मर्चेंट ऑफ वेनिस सेकेंड है रोमियो एंड जूलियट थर्ड है वो थेलो और फोर्थ हैमलेट तो बेसिकली ये लाइन बहुत ही फेमस है और ये शेक्सपियर के हेमलेट प्ले से ली गई है और इन लाइन को हेमलेट के द्वारा ही बोला जाता है अगला क्वेश्चन हमारा है सिक्सटी थ्री नंबर का टू प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर इज कैटेगराइज इन टू विच कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ द थीम ऑफ द प्ले ये कहते हैं जो शेक्सपियर का प्ले हैमलेट इसको किस कैटेगरी में रखा गया है इसकी थीम के बेसिस पे फर्स्ट है कॉमेडी सेकेंड है tragedy, थर्ड है हिस्टोरिकल फोर्थ है रोमांस तो ये बेसिकली जो है ये ट्रेजडी से बिलोंग करता है क्योंकि इसमें जो इसके कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही बुरे तरीके से उनकी मृत्यु होती है यह ट्रेजडी होती है तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी होगा क्वेश्चन नंबर हमारा सिक्सटी फोर है हु इज़ हॉरेशियो इन द प्ले हेमलेट बाय विलियम शेक्सपियर इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि विलियम शेक्सियर शेक्सपियर के द्वारा जो लिखा गया है प्ले जिसका नाम है हेमलेट हेमलेट में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है हॉरेशियो और होरेशियो कौन होता है वो बताना है आपको फर्स्ट ऑप्शन है द यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे सेकंड है हेमलेट्स क्लोज फ्रेंड थर्ड है द किंग ऑफ डेनमार्क हैमलेट संकर डी है अ सोल्जर एंड गॉड्स मैन एट एल्सनो तो इसका बेसिकली सही आंसर है बी ये बेसिकली हेमलेट का एक क्लोज फ्रेंड होता है अगला क्वेश्चन हमारा है सिक्सटी नंबर का वट डू द विच इस प्रोफेस टू बैंक ऑन द हेल्थ इन शेक्सपियर्स मैकबेथ ये कहते हैं कि जो विचिज़ होती हैं वो बैंकों के बारे में क्या भविष्यवाणी करती हैं फर्स्ट है दैट ही विल रूल द किंगडम सेकेंड दैट हीज चिल्ड्रेन विल बी किंग्स थर्ड दैट ही विल बी लेस ग्रेट एंड हैप्पी दैन मैकबेथ और डी है दैट ही इज़ मियर फॉयल टू मैकबेथ तो बेसिकली जो विचेज भविष्यवाणी करती हैं तो उनकी एक तो भविष्यवाणी ये होती है कि जो मैकबेथ है वो किंग बनेगा और उसके बाद कि उनकी भविष्य ये होती है कि मैकबेथ के बाद मैकबेथ के बेटे किंग नहीं बनेंगे बल्कि बैंकों के बेटे बनेंगे तो इसका सही आंसर होगा बी दैट हिज चिल्ड्रेन विल बी किंग यानी कि बैंकों के चिल्ड्रेन किंग बनेंगे मैकबेथ के बाद अगला क्वेश्चन हमारा है सिक्सटी सिक्स नंबर का द गिल्टी कॉन्सेंस ऑफ मैकबेथ इज़ रिवील्ड इन ये कहते हैं ये जो कब मैकबेथ होता है जो अपने आप को गिल्टी महसूस करता है फर्स्ट है पोर्टर सीन सेकंड है द बैंको सीन थर्ड है द स्लीप वॉकिंग सीन और फोर्थ है द सेकेंड मीटिंग विथ विच इज तो इसका सही आंसर भी होता है बेसिकली जब मैकबेथ बैंकों के सीन में जब वो देखता है कि बैंकों का खुद बैठा हुआ है उसको ऐसा फील होता है तो वहाँ पे वो गिल्टी महसूस करता है बी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन हमारा है सिक्सटी सेवन नंबर का वाई वॉज मैगबेफ एबल टू किल मैगबेथ डिस्पाइट द विच प्रोफेसी इन मैगबैथ जैसा कि हमें पता है कि विचिज़ ने मैकबेथ के बारे में प्रोफेसी की थी कि कोई भी व्यक्ति जो विमेन से पैदा हुआ होगा वो मैकबेथ को नहीं मार सकता है तो किस तरह से फिर मैकबेथ की मृत्यु हो जाती है और उनकी भविष्यवाणी सही होती है ये आपको बताना है बेसिकली इसमें क्या होता है ऑप्शंस आपके पास हैं ही किल्ड द विच फर्स्ट सेकेंड ही रिसीव्ड अ चार्म फ्रॉम ग्रीन स्विंडल और सी है ही वॉज अ वेरी पावरफुल वॉरियर और डी है ही वॉज बॉर्न बाय सीजेरियन सेक्शन तो ये इसका सही आंसर डी होता है बेसिकली क्या होता है कि मैगडेफ की फ़ाइट होती है लास्ट में मैगड की फ़ाइट होती है लास्ट में मैगब्रेथ से और मैगडेफ जो होता है वो मैगब्रेथ को किल कर देता है उसका रीज़न ये होता है कि मैगडेफ अपनी मदर के से पैदा नहीं होता है बल्कि उसको उसकी मदर का पेट फाड़ करके निकाला जाता है इसलिए डी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन हमारा है सिक्सटी एट नंबर का हाउ डिड बिरमन वुड कम टू डेंसी इन शेक्सपियर्स मैकबेट इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि किस कैसे बिरमन वुड के मतलब एक फॉरेस्ट होता है वो डनसनेर के पास किस तरह से आता है शेक्सपियर का जो प्ले है मैकबेथ में ऑप्शन आपके पास हैं द विच कैरी डि देयर क्योंकि वहाँ पे विचेस लेकर के आती हैं सेकेंड है द फॉल वेदर कॉज्ड एंड अफीवल थर्ड है मॉलकॉम्स आर्मी मास्ड बिहान इट्स कट ब्रांचेज और डी है थ्रू एन एक्सचेंज ऑफ लैंड्स आफ्टर विक्ट्री तो इसका सही आंसर होता है सी बेसिकली मालकॉम की जो आर्मी होती हैं वो अपनी तादाद को छुपाने के लिए कि मैकबेथ की आर्मी को तादाद का पता ना चले इसलिए वो ट्रीज़ के ब्रांचेस को काट करके अपने सर के ऊपर रख लेते हैं और इस तरह से ऐसा महसूस होता है जैसे जंगल उनकी तरफ चला आ रहा हो तो सी इज़ द राइट आंसर अगला क्वेश्चन हमारा है सिक्सटी नाइन नंबर का मैगबैथ अटर्स हि सोलोकी चुमारो एंड टमोरो एंड टमोरोन ये कहते हैं कि मैगबैथ कब बोलता है टुमरो एंड चुमारो एंड टुमारो फर्स्ट है ही कम्स टू नो द ट्रुथ्थ अबाउट मैगड सेकेंड ही रिसीव द न्यूज़ ऑफ लेडी मैगड्स डेथ थर्ड है बिरमन वुड कम्स टू डन और डी है मोलकम एंडर द कैसल तो बेसिकली इसका सही आंसर बी होता है जब उसे पता चलता है लेडी मैकबेथ के डेथ के बारे में तो ये बोलता है अगला क्वेश्चन हमारा है सेवेंटी नंबर का है वॉट नेम डज रोसालिन लिन फॉर हर डिस्काइज सेल्फ इन एज यू लाइक इट ये कहते हैं कि जो रोसलिन एक कैरेक्टर होता है जब अपने आप को डिस्काइज कर लेता है तो अपना नाम क्या रखता है वो फर्स्ट है गैनी फर्स्ट है लव सेकेंड है हायरी थर्ड है गैनीमीज फोर्थ है अकेरस तो इसका सही आंसर है सी वो अपना नाम रखता है गैन अगला क्वेश्चन है सेवेंटी वन नंबर का विद होम डज ओलीवर फॉल इन लव इन एज यू लाइक इट वे कहना चाहते हैं ओलीवर जो होता है उसको किससे प्यार हो जाता है इनके प्ले एज यू लाइक इट में फर्स्ट है रोसलेट सेकेंड है फोयबे थर्ड है ऑड्री और फोर्थ है अलियाना तो इसका सही आंसर है आलियाना होती है अगला क्वेश्चन है हमारा सेवनटी टू नंबर का हु इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट कैन सक मेलंकुली आउट आवर सॉन्ग तो ऑप्शंस आपके पास है सेलिया बी है टच स्टोन सी है जैक्स और डी है ड्यूक सीनियर इसका सही आंसर सी होता है जैक्स अगला क्वेश्चन है सेवेंटी थ्री नंबर का हाउ डज रोसलिन रिस्पॉन्ड टू ओरेंजो व्हेन वेन ही कंटेंट दैट ही विल अनलेस ड्राई रिटर्न लाइक इट ये कहना चाहते हैं जो रोसलिन एक कैरेक्टर होता है जो किस तरह से रोशन रिस्पॉन्ड टू ये किस तरह से ओरेंडो को रिस्पॉन्स करती है जब ओरेंडो कहता है कि वो उसके बगैर नहीं रह पाएगा एज यू लाइक इट में तो बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन है शी कम्पेयर्स हिम टू तो द ग्रेट लवर ऑफ क्लासिकल लिटरेचर बी है शी सजेस्ट दैट शी इज़ नॉट वर्दी ऑफ सच डिवोशन सी है शी वॉज टू किल हासिल बिफोर हिज डाइंग बॉडी हिट्स द ग्राउंड और इसका डी जो होता है शी अश्योरस हिम दैट नो मैन हैज़ एवर डाइड ऑफ लो और इसका सही आंसर डी ही होता है क्योंकि वो उनको सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी प्यार से नहीं मरा है सो डी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन हमारा है सेवेंटी फोर नंबर का द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ्स दैट वी आर अंडरलाइंग्स हु सेट दिस एंड इन विच प्ले ये जो लाइन ऊपर यूज़ की गई है ये किसने बोला है और किस प्ले में यूज़ की गई है फर्स्ट है कैसे सिंह जूलियो सीजर सेकेंड है एंटोनियन एंड जूलियो सीजर थर्ड है कैलिबन इन द टेम्पेस्ट फोर्थ है एंटोनी एन एंटोनी एंड क्लूपात्रा तो बेसिकली इस लाइन का प्रयोग करता है कैसियस और इन द प्ले जूलियो सीजर तो फर्स्ट इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन हमारा सेवेंटी फाइव नंबर का है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क्स द बिगनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस ये कहना चाहते है हैं जो आपके पास फोर ऑप्शन है वो कौन सी बुक है जहाँ से शेक्सपियर के करियर की शुरुआत होती है यानी कि सक्सेसफुल तरीके से इनका करियर की शुरुआत होती है तो फर्स्ट है लव लेबर लॉस्ट सेकंड है मर्चेंट ऑफ वेनिस थर्ड है वीनस एनोडोनिस फोर्थ है सोनेट तो बेसिकली इसका सही आंसर है वीनस एनोडोनिस जो कि शेक्सपियर की एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है और इसको शेक्सपियर ने फिफ्टीन से नाइन्टी के बीच में लिखा था और यहीं से इनके करियर की जो सक्सेसफुल करियर की शुरुआत होती है तो सी इज़ द राइट आंसर अगला क्वेश्चन हमारा है सेवेंटी नंबर का In which play does Shakespeare introduce us to the world of fairies with the roguish imp of folk lore, Puck? ये कहना चाहते हैं कि Shakespeare का कौन ऐसा play है जिसमें Shakespeare ने फेरीज़ यानी कि परियों को इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट है द टेम्पेस्ट सेकेंड है As यू लाइक इट थर्ड है ट्वेल्थ नाइट फोर्थ है अ मिड समर Dream. ड्रीम तो इसका सही आंसर है अ मिड समर नाइट्स ड्रीम इसमें परियों को इंट्रोड्यूस किया है अगला क्वेश्चन हमारा है सेवेंटी सेवन आउट आउट ब्रीफ कैंडल ये कहना चाहते हैं इस लाइन का प्रयोग किस प्ले में किया गया है तो बेसिकली ये जो लाइन है इसके आगे की लाइन क्या है कि लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो अ पुअर प्लेयर दैट स्टॉर्स एंड फ्रेड्स हिज और अपॉन द स्टेज एंड देन इज हर्ड नो मोर ये इसकी पूरी कंप्लीट लाइन है और बेसिकली इन लाइन का जो प्रयोग किया गया है वो शेक्सपियर का कौन सा प्ले है ऑप्शन आपके पास है मैगबैथ सेकेंड है कॉमेडी ऑफरथ थर्ड है मच एडो अबाउट नथिंग और डी है नन ऑफ द वो तो इसको जो सही आंसर है वो फर्स्ट है यानी कि इस लाइन का प्रयोग मैगबैथ में किया गया है अगला क्वेश्चन हमारा है सेवेंटी एट नंबर का मकबूल इज अ मूवी बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर ये कहना चाहते हैं मकबूल जो कि एक मूवी है वो शेक्सपियर के किस प्ले पे बेस्ड है फर्स्ट है मर्चेंट ऑफ वेनिस सेकंड है मैकबैथ थर्ड है मच एडो अबाउट द थिंग और फोर्थ है नन ऑफ दिस तो बेसिकली ये जो मूवी है वो बेस्ड है इनके जो है प्ले मैकबैथ पे बेस्ट है तो आंसर इसका सही हो जाएगा बी और हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है मैगबैथ इज़ अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट ये कहते हैं कि मैगबेथ जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्ले है ये किस तरह का प्ले है फर्स्ट है होमिसाइड यानी कि लोगों की हत्या करना सुइसाइड मर्डर आप आत्महत्या करना ब्लैक मेलिंग या फिर रेजिसाइड तो इसमें बेसिकली क्या होता है ये रेजिसाइड यानी कि मैगबेज जो होता है अपने किंग की हत्या करता है तो रेजिसाइड यानी राजा की हत्या पे बेस्ट है लास्ट क्वेश्चन है आज का वर्ल्ड टाइटल डिड मैकबेथ ओरिजिनली है ये कहना चाहते हैं जो मैकबेथ इनका प्ले है उसका ओरिजिनल कौन सा टाइटल है फर्स्ट है द थेन ऑफ कॉडोर सेकेंड है द थेन ऑफ ग्लेमिस थर्ड है द थेन ऑफ फिप्स फोर्थ है ऑफ नॉर्थ थमलैंड तो इसका सही आंसर जो होता है बी होता है थेन ऑफ ग्लेमिस तो ये रही हमारी आज की वीडियो उम्मीद है आपको समझ आई होगी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन चेक केयर हैव अ गुड टाइम